नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बच्चों के साथ खिड़की के पास खड़ी महिला पर एसिड अटैक, पहले पति पर आरोप। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने तलाकशुदा पत्नी पर एसिड फेंक दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए कालना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक तलाक लेने के बाद पीड़िता ने दूसरी शादी कर ली है। वो अपने बच्चे के साथ ससुराल में बैठी हुई थी, तभी उसका पहला पति गोविंद विश्वास आया और खिड़की से उस पर एसिड फेंक कर फरार हो गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता का आरोप है कि पहले भी उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी। पहला उसके साथ अत्याचार करता था, जिसकी वजह से उसने तलाक लिया। बावजूद पहले पति उससे पीछे पड़ा था, पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह घर पर अपने बच्चे के साथ खिड़की पर बैठी हुई थी। उसका पहला पति धीरे से आया और उस पर एसिड फेंक कर फरार हो गया, जिसमें वह बुरी तरह झुलस गई। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धवान जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने तलाकशुदा पत्नी पर एसिड फेंक दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए कालना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक तलाक लेने के बाद पीड़िता ने दूसरी शादी कर ली। वह अपने बच्चे के साथ ससुराल में बैठी हुई थी, तभी उसका पहला पति गोविंद विश्वास आया और खिड़की से उस पर एसिड फेंक कर फरार हो गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता का आरोप है कि पहले भी उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी, पहले उसके साथ अत्याचार करता था, जिसकी वजह से उसने तलाक लिया। बावजूद पहला पति उसके पीछे पड़ा है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह घर पर अपने बच्चे के साथ खिड़की पर बैठी थी। उसका पहला पति धीरे से आया और उस पर एसिड फेंक कर फरार हो गया, जिसमें वह बुरी तरह से झुलस गई। वो दूसरी शादी के बाद अपने पति के साथ बेहद खुश है, जिसकी वजह से उसके पहले पति ने उस पर हमला किया। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक तलाक लेने के बाद पीड़िता ने दूसरी शादी कर ली। वह अपने बच्चे के साथ ससुराल में बैठी हुई थी, तभी उसका पहला पति गोविंद विश्वास आया और खिड़की से उस पर एसिड फेंक कर फरार हो गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता का आरोप है कि पहले भी उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी, पहला पति उसके साथ अत्याचार करता था, जिसकी वजह से उसने तलाक लिया। बावजूद पहला पति उसके पीछे पड़ा है। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।